अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और अब हम स्टार्ट करते हैं ऑटो कैड में लेसन नंबर 104। आज के इस लेसन में हम ऑटो कैड का ये जो प्रोजेक्ट है इसको ख़त्म करेंगे, फिर इंशाल्लाह सारा मुकम्मल काम करेंगे इस लेसन में। तो इसके लिए मैं ऑटो कैड को सामने लाया हूँ, आपने कमांड अप्लाई करनी है वी पी एंटर ताकि आपको एक्यूरेट नज़र आए, और यहाँ पर अपने से देना है जी 15। एक्स एक्सिस की वैल्यू वही रहने दें, वाई एक्सिस की वैल्यू को 15 कर दें, सही है। अब यहाँ पे हमें सही एक्यूरेट बता रहे हैं जी, हर चीज़ बता रहे हैं। अब अपने यहाँ पे क्या करना है, अपने दो काम करने हैं। हमने यहाँ पे कुछ काम, हमने यहाँ पे कुछ चीज़ें गलत की हैं। वो क्या किया हमने कि यहाँ से जो है हमारे पास ये जो यहाँ पे रूफ जो आ रहा है, तो कि ऊपर वाला रूफ आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ स्टेयर्स की जगह बनी हुई है लेकिन हमने नहीं बनाई। तो आपको पता होगा कि आपने किस तरह बनानी है उस स्टेयर्स की जगह। तो उसके लिए मैं इसे कंट्रोल जेड करता हूँ, इस चीज़ को मैं यहाँ से डिलीट भी करता हूँ तो फिर भी हो जाएगा, लेकिन ठीक है। चलिए, ये आपने जब शुरू में बनाना है तो आपने यहाँ से स्टेयर की जगह छोड़नी, जिस तरह मैंने यहाँ से काटा है यहाँ से भी आपने इसी तरह इसे काटना होगा। तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ, इसे मूव करता हूँ, इस चीज़ को आप डिलीट कर दो यहाँ। इसको आपने क्या करना है, आपने इसको उठाना है, एम एंटर करना है, एम एंटर, एम एंटर, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, यहाँ से इसको उठाओ और इसके यहाँ पे आपने से इस पॉइंट पे लाके इसे एडजस्ट कर लो। ओके, हमारे पास फिर भी कुछ ना कुछ फ़र्क आ रहा है, तो वो फ़र्क क्यों है? ठीक है, हमारे पास इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ, ये एरिया हमारे पास है। दो काम करने हैं, तो आपने ये करना है कि आपने यहाँ से भी जगह छोड़नी है कुछ, तो वो जगह भी मैं यहाँ से छोड़ता हूँ। क्या करना है, आपने ब्रेक कमांड करनी है, ब्रेक एट पॉइंट, यहाँ से लेकर यहाँ तक एरिया में छोड़ देता हूँ कि ये जो एरिया है इसके लिए जी। अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, इस पर आपने वही काम करना है जो अभी हमने किया। इसके लिए फिर दोबारा से मुझे वो बनाना पड़ेगा। चलें, ये क्या है जी, REC रेक्टेंगल नहीं, यहाँ से मूव करें इसको, एम एंटर, एल एंटर, ऑफसेट लें, ओ एंटर, नो एच ऑफसेट ले लें, एल एंटर, F8, TR डबल एंटर, TR डबल एंटर, इस पे आप और भी काफ़ी सारे काम कर सकते हैं, इस पे आपने जो जो काम करने हैं आप यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सिंपली एक थोड़ा सा एरिया दे देता हूँ। या फिर मैं इसे शेड दे देता हूँ, शेड के लिए आप यहाँ से, आपने क्या करना है, आप यहाँ से एल एंटर करें या रेक्टेंगल REC रेक्टेंगल ने एट द रेट ऑफ 18, 18 एंटर,
इसे तोड़ दें। ओ एंटर चेन थ्री एंटर पी एल एंटर ए एंटर एल एंटर सॉरी यू एंटर एल एंटर करें आप सी एंटर मॉडिफाई मॉडिफाई करें थ्री डी ऑपरेटर्स रोटेट थ्री डी सिलेक्ट राइट क्लिक नाइन्टी इसको डिलीट कर दें इसको डिलीट कर दें इसको भी डिलीट कर दें एम एंटर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट राइट क्लिक यहाँ से उठाएं उसको यहाँ पर एडजस्ट कर लें ई एक्स टी एंटर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट राइट क्लिक पी एंटर पाथ दे दें इसको जी एम एंटर आप यहाँ से थोड़ी वायर फ्रेम पर लेके जाएं एम एंटर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट राइट क्लिक इस पॉइंट से उठाएं और इसको आप यहाँ पे मूव करके लगाते हैं। ओके चलें यहाँ से ये काम कंप्लीट हो गया। यही काम हमने यहाँ पे भी करना है। पी एल एंटर पोलन ने यहाँ से यहाँ 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 ए एंटर यहाँ एल एंटर सॉरी यू एंटर अगर खराब हो जाए तो आप यू एंटर कर लें या फिर कंट्रोल यू भी आप कर सकते हैं अंडू के लिए एंटर मॉडिफाई थ्री डी ऑपरेटर रोटेट थ्री डी सिलेक्ट ऑब्जेक्ट राइट क्लिक 90 एंटर एम एंटर सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट राइट क्लिक एफ एट यहाँ पे आपने क्या करना कॉपी सी पी सी पी एंटर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट राइट क्लिक इस पॉइंट से उठाएं इसको इस पॉइंट पे लगाते हैं इसको यहीं पे आप इस पॉइंट पे भी लगाते हैं पाथ दें एक्सट्रूड करें ई एक्स टी एंटर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट राइट क्लिक इसे आपने एक्सट्रूड करना है आप एक और काम करें भी ये जो ऑब्जेक्ट है सी पी एंटर करें इस ऑब्जेक्ट को भी इसको भी सिलेक्ट और इनको उठा के आप यहाँ पे ले आए अब इसे एक्सट्रूड करें ई एक्स टी एंटर सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट राइट क्लिक एक और आप एक और काम भी यहाँ पे आप कर लें वो काम आपने क्या करना है ये जो है यहाँ से यहाँ तक कैरियर जो था हमारे पास कितना है आप यहाँ से ना एक इस चीज़ को उठाएं सी पी एंटर करें देखिएगा यहाँ पे मैं किस लिए इसे उठा के लेके जा रहा हूँ
इसका ऑफसेट होता है ओ इंटर, या जो मैंने कॉपी किया उसके साथ आप लगा दें इसको। इसे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने एम इंटर, यहाँ से मैं इसे क्या करता हूँ, यहाँ से मूव कॉपी करता हूँ, मूव एम एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट राइट क्लिक, इसे मूव आपने कहाँ पे करना है, इस पॉइंट पे करना है। क्यों करना है मैं अभी आपको बताता हूँ, इसका फंक्शन क्या है। इसका फंक्शन ये है कि आप देखें यहाँ पे इसे ओ एंटर करें, देखते हैं 18 इंच इसका एक्यूरेट यहाँ से यहाँ तक फास लें, सही है 18 इंच, सही है। अब इसको आप क्या कर लें, डिलीट कर लें। और मैंने क्या क्यों किया ये चीज़, मैं अभी आपको बताता हूँ। आपने क्या करना है, ओ इंटर 18 इंच इंटर, ये 18 इंच, ये अब आपने क्या करना है जी, एल इंटर यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, इसी तरह आपने एल एंटर यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। अभी क्यों किया ये भी आपको मैं अभी बताता हूँ। अब यहाँ से आपने क्या करना है, ई एक्स टी एंटर, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट राइट क्लिक और पाथ पी पी एंटर, अभी यहाँ पे वर्क करके लेकिन थोड़ा सा स्लो है, पाथ से मिल गया। इसी तरह आप इसको भी दें, आप यहाँ से ई एक्स टी एंटर, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट राइट क्लिक पी एंटर पाथ, ओके इसको आप यहाँ से डिलीट कर दें। अब ये मैंने क्यों किया था, इसी तरह आप देखें बी ओ एंटर एक पॉइंट, ये कहीं से आपका टूटा हुआ, तो आपने क्या करना है यहाँ पे बी ओ एंटर न्यू, यहाँ से न्यू लेने राइट क्लिक पिक पॉइंट एंटर ई एक्स टी एंटर, सॉरी ई एक्स टी एंटर 10 फिट एंटर एंटर, ओके। अब आपने क्या करना है, इस सारे के सारे को उठाना है यहाँ से मूव करना है, एम एंटर सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट राइट क्लिक इस पॉइंट से पकड़े और इससे आप यहाँ पे इस पॉइंट में लाके एडजस्ट कर लें। देखिए एक्यूरेट हमारे पास यहाँ पे लग गया। अब क्या करें, शेड दें SHADE, सही है। अब हमने क्या करना है, ये काम हमने करने के बाद आपने क्या करना है, इसको उठा के यहाँ पे इसके ऊपर लगाना है। तो इसके ऊपर लगाने से पहले आपने क्या करना है, इस चीज़ को उठाना है, आपने क्या करना है, यहाँ पे 2D वायर फ्रेम लेनी है, एम एंटर सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट राइट क्लिक इसको उठाएं शेड दें SHADE, सही है। ये काम भी हो गया, कलर इसको और दे दें कोई, इसको आप कलर और दे दें, कलर
अब आपने क्या करना है, सारे को सिलेक्ट करके आप कलर्स का यहाँ से आपसे क्या करें, एक तो आप यहाँ से लेयर एक नहीं बनाए, लेयर को आपने नाम देना है जी यहाँ पे न्यू थर्ड रूफ किधर है जी हमारे पास न्यू लेयर। थर्ड रूफ कलर्स को यहाँ से आप सिलेक्ट करें, कलर्स को दे दें आप जी ओके अप्लाई ओके। इस सारे के सारे को आप सिलेक्ट करें और यहाँ से थर्ड रूफ पे क्लिक करें और यहाँ से कलर बाय लेयर करते हैं ओके। अब यहाँ से इसे क्या करें जी, आप सारे को सिलेक्ट करें और मूव कर लें एम एंटर। कोई ऐसा एरिया लें जिससे ये एक्यूरेट आपको नजर आए, सही है ये बोला। अब इसे आप क्या करें, यहाँ से मूव कर लें एम एंटर, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट राइट क्लिक और यहाँ से आप इसे उठाएं, उठा के आप यहाँ पे से इसके ऊपर आके एडजस्ट कर लें ओके जी। आपका यहाँ पे देखें ये सारा काम कंप्लीट हो गया, हमारे पास एक ड्राइंग जी कंप्लीट हो गई है। देखें तो एक ड्राइंग हमारे पास क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ये ले इसे थोड़ा सा मूव करना चाहते हैं, मूव भी कर लें। चलें ठीक है, VP Enter 15 ओके जी। यहाँ तो ये काम कंप्लीट हुआ हमारा, ये थोड़ा सा बैड निकला हुआ था एरिया। अब यहाँ पे अपने क्या करना है, एक और काम करें जी, आप यहाँ से इसे टॉप सी लें, यहाँ करीब आए रेक्टेंगल लें REC Enter, यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया आप रेक्टेंगल ले लें, 2D wireframe लें REC Enter, यहाँ से सिलेक्ट करें और यहाँ तक एरिया रेक्टेंगल लें और इसमें आप क्या करें, H Enter, यहाँ से आपने कौन सा स्टाइल देना है इसको, एड ऑब्जेक्ट, एड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, प्रीव्यू, एंगल स्केल बढ़ा दें इसका, फाइव कर दें, SHADE H Enter, एड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, प्रीव्यू नहीं हो रहा तो आप इसे बाहर ले जाएं और वहां पे आप कर लें एम एंटर, सेलेक्ट करें राइट क्लिक या इसे कॉपी करें CP Enter, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट राइट क्लिक यहां से उठाएं और इसे बाहर लें, इस पे हैच अप्लाई एच एंटर, एच एंटर
चाइल्ड जी, आप इसको यहाँ से जो भी आपको अच्छा लगता है, मुझे आप फॉर एग्जाम्पल ये वाला मैं देता हूँ, ओके, स्केल 20, एड ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट, एंटर, प्रीव्यू। 20 बहुत ज़्यादा आ गया, अब आपने क्या करना है यहाँ पे, स्केप, स्केल दे दें 10, प्रीव्यू करें, फिर भी बहुत ज़्यादा आ गया, स्केप, स्केल दे दीजिए 5, प्रीव्यू करें, अब ठीक है, एंटर कर दें, इसको उठाएं। कलर से कोई और दे दें आप, कलर आप इसको दे दें जी, से आप उठाएं मिनट। तो मैं कोई और चीज़ दे देता हूँ, ये इसका स्टैंड ये दे दें, जिसमें आपका ये, ओके, प्रीव्यू, हाँ ठीक है, सही है, ओके। तो ये हमारे पास क्या लग गया जी, यहाँ पे हैच भी लग गया, हमारे पास एक घर भी कंप्लीट हो गया है। अब देखें, और इसमें आप अपने क्या करना है, यहाँ से सब चीज़ों को डिलीट कर दें, ऊपर वाले का कलर मैंने अजीब सा दिया है, आप यहाँ से कलर भी इसका चेंज कर सकते हैं। कलर आप यहाँ पे जाएं, सिलेक्ट कलर, सही है, अब ठीक है, सही। तो यहाँ तक हमारे पास ये काम कंप्लीट हुआ। अब आपने यहाँ पे गाड़ी लगानी है, कुछ भी लगाना है ऊपर, यहाँ पे अंदर कुछ रखना चाहते हो तो आप यहाँ पे रख सकते हो। तो इसके लिए मैं ओकंट वीपी एंटर, सही है। अब हमने यहाँ पे इसमें अब फोटोशॉप में थोड़ा सा जाके काम करेंगे इंशाल्लाह, तो फोटोशॉप में उस टाइम काम करेंगे जब हम फोटोशॉप भी सीख लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको इन सारे लेसन्स की समझ आई होगी, हमने एक घर बनाया, आप इससे अच्छे अच्छे घर बना सकते हो और बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत कर सकते हो, आप और भी काफ़ी सारी चीज़ें इस पर बना सकते हो। तो मैंने आपको बताया था कि मेरे जो प्रोजेक्ट थे वो मैंने कौन कौन से बनाए थे, वो आपको बताया था मैंने। तो आप उस तरह के प्रोजेक्ट, उस तरह की चीज़ें आप खुद डिज़ाइन कर सकते हो। ऑटोकैड बेसिकली थोड़ा टाइम मांगता है, आपने जितना ज़्यादा से टाइम दोगे इतनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस और इतना अच्छा आप काम कर सकोगे। तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मैंने जो प्रोजेक्ट बनाए हुए, जो जो चीज़ें बनाई हुई, मैं आपको वो बताऊंगा, और फिर हम फोटोशॉप में ले जाके हल्का सा इस पर काम करेंगे कि आप सिर्फ किस तरह चेंजिंग करते हो, किस तरह आप इस पर अभी काम कर सकते हो। तो तब तक इजाज़त दीजिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, खुदा हाफिज़।